नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। 60 डेज का हमारा हार्ड चैलेंज चल रहा है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को लेकर। अभी तक हम लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पीपीटी के रूप में यहाँ पर वीडियोस को बना रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं आपसे जो एक कनेक्शन होता है वो वीडियोज़ के माध्यम से इस तरीके से ही हो पाता है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कई बार आपके कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो मुझे भावुक कर देते हैं। उनको देख के लगता है कि यार अगर मेरे वीडियो पे 2 व्यूज़ भी आए तो मुझे इन 2 विद्यार्थियों के लिए, इन 2 एस्पिरेंट के लिए काम करना है। तो मैं अपना काम करता रहूँगा। निश्चित तौर पर आप अपना काम करते रहिए, सिलेक्शन निश्चित है अगर आप अच्छे ढंग से चलें। देखिए, ये जो 60 डेज़ का मैंने हार्ड चैलेंज शुरू किया है, मैं थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में, जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, इसमें आपके पास 90 डेज है। 90 डेज कैसे? मैं इसमें प्रीलिम्स को भी मान रहा हूँ, इसी में मैं मेंस को लेकर भी चल रहा हूँ, है ना। इतनी डिटेल में मैंने कभी बात नहीं की, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये जो 90 डेज है, इसमें हम 60 डेज में प्री प्लस मेंस की तैयारी चालू करेंगे। उसके साथ ही जो लास्ट 30 डेज बचेंगे उसमें केवल हम मेंस को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हार्ड चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है कि थंबनेल पर मैंने लिख दिया कि हार्ड चैलेंज तो हार्ड चैलेंज नहीं। हार्ड चैलेंज का मतलब ये होता है कि लग कर घिस कर तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक टॉपिक के अगर आप 100 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मॉक्स में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। लेकिन इसके लिए शिद्दत से तैयारी करनी होगी, और आपको लगता है कि 90 डेज में आप खुद को अच्छे से तैयार करने वाले हैं, अच्छे से मेहनत करने वाले हैं, तो समझिए ये जो एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट है, ये जो हार्ड चैलेंज है 60 डेज का, इसमें आप विजय पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे की ओर हम बात करने वाले हैं आज के हमारे टारगेट के बारे में। अब इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें और आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, चूंकि ये 60 डेज का हार्ड चैलेंज है, तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन्हें हम छोड़ेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। कुछ स्पेशल टॉपिक होंगे जिन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो वो क्या होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हमारे डे 4 के बारे में। आज का हमारा डे 4 है जिसमें हम टारगेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है क्वांट की। तो क्वांट का डेली एक हैबिट बना लीजिए, 20 तक आपको स्क्वायर करने हैं, ठीक है, 20 तक आपको टेबल्स करने हैं, और 15 तक आपको क्यूब्स करने हैं। ये मैं आपको डेली बताऊं ना बताऊं, किसी दिन अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको ये काम करना है। दूसरी बात ये, मैंने आपके लिए चीजें लिख रही है, रखिए। बैंकर्स पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको 2 घंटे 57 मिनट की, यानी लगभग 3 घंटे की एक क्लास मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगी नंबर सीरीज, है ना। तो आपको इस वीडियो को ओपन करना है और यहां से लगभग 45 मिनट तक की क्लास देखना है, और उन्हें देखने के बाद रिवीजन करना है। इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन समय पर ध्यान नहीं देते हुए टारगेट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वांट का टारगेट। नेक्स्ट बात करने वाले हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में एक टॉपिक है सिलोगिज्म। ये वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अभी इत्मीनान से 1-2 दिन रुकिए, इसके बाद वीडियो आ जाएगा, उसको आपको देखना है। अभी रीजनिंग के लिए आपके पास कोई टारगेट नहीं है। जीए वाले सेगमेंट में 4 अक्टूबर का जीए करना है। अब चूंकि हार्ड चैलेंज है, तो पिछले जो 1 तारीख 2 और 3 अक्टूबर है, इनका रिवीजन अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश में आपको आज का एडिटोरियल देखना है, और एडिटोरियल देखने के साथ ही, चूंकि कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कहां से चीजें कंप्लीट करें, तो आपको बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल है वहां पर जाना है, और 120 रूल्स करके एक वीडियो मिलेगा, 120 रूल्स, अनुभव सर ने इसे कंप्लीट कराया हुआ है। इस वीडियो को देखना है, और कितना देखना है, तो आज आपको देखना है 1 घंटे 1 आवर, यानी 1 घंटे के लिए ये वीडियो आपको देखना है, जो कि लगभग 4 घंटे का वीडियो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एसबीआई क्लर्क का जो डे 4 है, इसके टू डू लिस्ट की अगर मैं लास्ट में बात करूं, तो क्वांट में आपको 20 तक स्क्वायर, 20 तक टेबल और 15 तक क्यूब करने हैं। नंबर सीरीज का वीडियो देखना है बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल से, 2 घंटे 57 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट तक का वीडियो देखना है। रीजनिंग में सिलोगिज्म हम पढ़ेंगे, जीए में 4 अक्टूबर का जीए करना है, और इंग्लिश में आज का एडिटोरियल पढ़ने के साथ ही 120 रूल्स वाला जो वीडियो है उसमें 1 घंटे की क्लासेस कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।